गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो पैसे के अभाव में उचित खान पान नहीं कर पाती है और उचित देखरेख के अभाव में बीमार हो जाती है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन में जालौन को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ₹5,000 की सहायता राशि 3 किस्तों में गर्भवती महिला को दिए जाते हैं। पहली किस्त ₹1,000 की गर्भवती महिला के पंजीकरण के समय दिए जाते हैं और बाकी 2 किस्तें ₹2,000 की दी जाती है। महिला को अंतिम किस्त प्रसव के बाद बच्चे के पंजीकरण के बाद दी जाती है। 1 जनवरी 2017 से 16 अप्रैल 2018 तक कराई गई प्रदेश स्तरीय समीक्षा रैंकिंग में जालौन जनपद को प्रथम स्थान मिला है। जनपद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अल्पना बर्तारिया ने बताया कि जनपद को 10,917 महिलाओं का लक्ष्य मिला था, जिनमें 5,666 महिलाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। वही इस योजना के जिला प्रबंधक डॉ प्रेम प्रताप सिंह ने बताया कि यह प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन सभी महिलाओं को मिल रहा है जो प्रसव पूर्व पंजीकरण करा रही है। जालौन से संवाददाता संतोष कुमार सोनी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सही से पोषण मिल सके, उनको अच्छा सा आहार मिल सके और किसी भी तरह की आर्थिक समस्या उनके जीवन में ना आए, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि मतलब ऐसी सभी महिलाएं, मतलब वो किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी ग्रुप से हों, उन सभी को जो पहला बच्चा जो उनका जन्म लेगा उस दौरान उसको इस योजना का फ़ायदा मिलता है। इस योजना में टोटल ₹5,000 गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान दिया जाता है। वो 3 किस्तों में देते हैं हम लोग। पहली किस्त तो जैसे ही मतलब पंजीकरण होता है उसका, हमारी ANM उसका पंजीकरण करती है, तो ₹1,000 उसको तत्काल जो है रजिस्ट्रेशन के दौरान उसको दे दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि कम से कम मतलब एक प्रसव उसकी जांच हो जाए, मतलब उसकी जांच ANM द्वारा जैसे की जाएगी, एक जांच के उपरांत फिर उसको ₹2,000 और दिया जाता है। और तीसरा पैसा जब उसकी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो जाती है तो सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के तुरंत बाद 40 दिन के अंदर अंदर उसको फिर ये जो है तीसरी किस्त ₹2,000 और दे दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारा जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसमें हमें 10,917 का हमको लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5,946 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त में 1,000, द्वितीय किस्त में 2,000 और तृतीय किस्त में 2,000, इस तरह पूरी ₹5,000 की धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में दी जाती है। यह योजनाएं बेसिकली जो गर्भवती माताएं हैं उनके भोजन के लिए और जो शिशु जन्म लेते हैं।